नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के नंबर वन बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को लेकर सीएम साय ने बड़ा बयान दिया है। अंबिकापुर में सीएम साय ने कहा है कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। प्रदेश में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ा बयान सीएम विष्णुदेव साय के द्वारा दिया गया है और सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम कायम हैं और इसी पर ही काम होगा। सुनिए क्या कुछ कहा है। और जो भी देखिए, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर कायम है और कोई भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार करने वाला अधिकारी कितनों ही बड़ा क्यों न हो, उसको सख्त से सख्त सजा देंगे। जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाईचारा के साथ यहाँ पर रहना चाहिए। उस पर जांच हो रही है और जो भी दोषीदार होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ेंगे। आकाश, जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है साय सरकार और उन्होंने साफ तौर से यह भी कहा कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुल मिलाकर ये माने पूरी तरह से एक्शन मोड में भी और सख्ती के मूड में भी सीएम साय हैं। आकाश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे सहयोगी से। कुछ तकनीकी खामियों की वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, ये बड़ा बयान जो है सीएम साय का आपने सुना कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त तो नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस की नीति जो है हमने नीति बनाई है उस पर हम कायम है और इसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं। सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आकाश आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार है और पूरी तरह से सख्त नजर आ रहे हैं सीएम साहब, भ्रष्टाचार बर्दाश्त तो नहीं होगा। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बयान देते हुए साफ तौर पर कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं होगा। जिस तरीके से पिछले दिनों समीक्षा हुई, विष्णुदेव साय ने सभी विभागों की बारी बारी समीक्षा की, उसमें मेन जो बिंदु थे वो अनियमितता के मामले थे। योजनाओं में किस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया, उसकी फाइलें मंगवाई गई, उसकी जाँच के निर्देश दिए गए हैं। हर जिले में जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं उसको बिंदुवार उस पर जो है कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में सरगुजा में जो एंटी करप्शन ब्यूरो की जो कार्रवाई हुई है वो इसी में से एक है। इसके साथ ही जो अन्य जो मामले हैं भ्रष्टाचार के, उसके उस पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। सरकार के साफ निर्देश हैं जिन भी मामलों में बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी जाँच की जाए और तत्काल जो है अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। जी जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए आकाश। और चलिए आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। सीएम साय आज दिल्ली जाने वाले हैं, केंद्रीय नेतृत्व से मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा हो सकती है। साय कैबिनेट में दो मंत्रियों के पद खाली हैं और इसी को लेकर के खींचतान लगातार चल रही है, चर्चाएं भी चल रही हैं और अब दिल्ली जा रहे हैं तो वहां पर भी संभव है कि इस मुद्दे पर चर्चा हो, जल्द मंत्रियों के नाम की घोषणा भी संभव है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी पहल की है, मितानी बहनों का मानदेय भुगतान अब ऑनलाइन होगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने यह ऐलान किया है, महतारी वंदन योजना की तरह ही खाते में अब राशि आएगी। ये बड़ा बयान, बड़ी सौगात हम मितानी बहनों के लिए मान सकते हैं। मानदेय भुगतान जो है अब ऑनलाइन होगा, ये बड़ी सौगात दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, बड़ी पहल जो है सरकार की ओर से की गई है। जो मितानी बहने हैं उन्हें अब जो है मानदेय भुगतान होगा वो अब ऑनलाइन होगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है, ये बड़ी सौगात मानी जा सकती है मितानी बहनों के लिए। महतारी वंदन योजना की तरह ही अब ये राशि जो है सीधे खाते में आएगी, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और ना लाइनों में लगना पड़ेगा अपने फॉर्म लेकर के, ना परेशान होना होगा। अब सीधे ये राशि बहनों के खातों में आएगी, मितानी बहनों के खातों में आएगी और इसका वो लाभ इजीली उठा सकेंगे, किसी भी तरह की परेशानी इसमें नहीं देखी जाएगी।
ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, जो मितानिन बहनों को पहले राशि मिलती थी, कई बार परेशानियां भी होती थी, लंबी लंबी कतारें भी हम देखते थे, पर अब सुविधा उन बहनों के लिए कि अब ऑनलाइन ट्रांसफर उनके खाते में किया जाएगा। जी बिल्कुल, ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधाएं दी जा रही है, जो उनका मानदेय है उनको ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा। ये प्रक्रिया लंबे समय से चली आ रही थी और पूर्व में जो भूपेश बघेल सरकार थी वो भी ऑनलाइन प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ाया था और उस समय स्वास्थ्य मंत्री टीएससी देव ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की सहमति देते हुए वो प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी और उस समय भी मितानिनों को भुगतान किया जा रहा था और ये नई सरकार आई है तो इसमें भी लगातार वो प्रक्रिया को आगे बढ़ाई गई है। मितानिनों को पूर्व की तरह जो है ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है ताकि उनको किसी तरीके से तकलीफ ना हो, सहूलियत हो और सीधे खाते में जो है वो पैसा जाए उनके। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी को साझा करने के लिए। अंबिकापुर का जिक्र करेंगे। माता राजमोहनी देवी भवन में जनजाति गौरव समाज की ओर से आयोजित वीरांगना महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस कार्यक्रम में सीएम साई शामिल हुए। जनजाति गौरव समाज की महिलाओं ने सीएम साई का पैर धोकर स्वागत किया और इसी दौरान सीएम ने महारानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर स्वच्छता दीदियों का स्वागत किया गया तो वहीं स्वच्छता दीदियों के साथ बैठकर सीएम साई ने भोजन भी किया और कहा कि हम लोग गांव के रहने वाले साधारण परिवार के हैं, स्वच्छता बहनों के साथ बैठकर भोजन करना गौरव की बात है। महारानी दुर्गावती जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस अवसर पर जनजाति गौरव समाज अंबिकापुर यहाँ पर एक गोष्ठी का, एक परिचर्चा का आयोजन किया था जिसमें हम सब लोग आमंत्रित थे और हम लोग आए हैं इस संगोष्ठी में। मुख्य रूप से सोहन सिंह जी मुख्य वक्ता के रूप में मध्य प्रदेश से यहाँ पर पधारे थे। उन्होंने वीरांगना महारानी दुर्गावती जी के जीवन पर विस्तार से मतलब व्याख्यान दिया। डिप्टी सीएम अरुण साव भोपाल दौरे से वापस रायपुर लौट आए और रायपुर लौटने के बाद अरुण साव पूर्व मंत्री शिव डहरिया के बयान पर पलटवार करते हुए नजर आए। डिप्टी सीएम ने कहा कि शिव डहरिया को आरंग और जांजगीर की जनता ने रास्ता दिखा दिया। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के आज हालात जो है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी क्या करेगी उनका मत है, लेकिन निश्चित रूप से रायपुर दक्षिण का सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। रायपुर में नगर निगम एमआईसी की बैठक हुई जिसमें राजधानी के वार्डों के परिसीमन को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि रायपुर में वार्डों का परिसीमन किया जाएगा, इसके लिए एसडीएम और एडीएम को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी। 2011 को आधार बनाकर परिसीमन किया जाएगा। था जिस पे चर्चा हुई है वो परिसीमन को लेकर था, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा 2011 के आधार बनाते हुए परिसीमन किया जा रहा है। 2019 में भी परिसीमन हुआ था, 2019 में परिसीमन के बाद वो भी 2011 को आधार बना के 2019 का परिसीमन हुआ था। अब 2024 और 25 में भी 2011 को आधार बना के परिसीमन किया जा रहा है। और अब बात बिलासपुर की, जहां मेला पारा में अवैध निर्माण के खिलाफ निगम का बुलडोजर एक्शन जारी है। यहां 742 अवैध कब्जों पर कार्रवाई की जा रही है। आज लगातार चौथे दिन भी निगम की कार्रवाई जारी रही। तो वहीं बिलासपुर के मेलापारा में निगम की कार्रवाई के विरोध में लोगों ने चक्का जाम कर दिया। मकान के बदले मकान देने की मांग भी इनके द्वारा की गई है। ये दो तस्वीरें आपके सामने, निगम का एक्शन लिया गया, दूसरी तरफ कार्रवाई का विरोध भी यहां पर लोगों के द्वारा जताया गया।
दुर्ग में गौवंश का शव मिलने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, तो वहीं इस मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। गिरधारी नगर में मिला था गौवंश का शव। बता दें, हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध भी किया था, पुलिस को बल का भी प्रयोग यहां पर करना पड़ा था। तो लगातार गौवंश हत्या के मामले भी सामने आ रहे हैं और इसको लेकर के कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों में नाराजगी है। हल्ला बोल भी हम लगातार उनके द्वारा देख रहे हैं, पर इस पर कहीं ना कहीं जो रोक नहीं लग पा रही है पूरी तरह से, उस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि कई कार्रवाइयां भी की गई, कई गिरफ्तारियां भी हुई, पर फिर भी जिस तरह रोक नहीं लग पा रही है, लगातार एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, उसे लेकर के अब कहीं ना कहीं कई सारे सवाल भी खड़े होने लगे हैं और हिंदू संगठन भी नाराज है। ये तस्वीरें देखिए जहां पर हिंदू संगठनों का हंगामा हुआ, पुलिस बल यहां पर पहुंचा और कार्रवाई भी इनके द्वारा की गई, मामला शांत करवाने का प्रयास भी यहां पर किया गया। अब खबर रायगढ़ से है, जहां पुलिस ने महादेव और लोटस ऐप से जुड़े चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चार आरोपियों में से दो बैंककर्मी हैं जो सटोरियों के लिए खाता खुलवाने का काम करते थे। ग्रामीणों के नाम सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर अकाउंट खुलवाते थे, फिर इसका इस्तेमाल सटोरिये करते थे। महादेव सट्टा के दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, ये बड़ी कामयाबी। तो ये कहीं ना कहीं बैंक कर्मी भी जो है इस पूरे ही मामले में लिप्त था और अब जाकर के इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, गिरफ्तारी हुई। रायगढ़ का जिक्र करेंगे, महादेव सट्टा केस में बड़ा अपडेट है। महादेव सट्टा के दो आरोपी और दो बैंक अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर खुलवाया अकाउंट और फिर ग्रामीणों के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवा दिया। अकाउंट में लाखों के ट्रांजैक्शन की भी जानकारी मिली है। छत्तीसगढ़ के दो मशहूर वेटलिफ्टर डोपिंग केस में फंस चुके हैं। बता दें, वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का नेशनल डोपिंग एजेंसी ने इसकी रिपोर्ट भी दी है। इस रिपोर्ट के आने के बाद दो वेटलिफ्टर और एक कोच पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। डोपिंग केस में वेटलिफ्टर एकता बंजारे और मिथिलेश सोनकर फंसे हैं। दोनों पर प्रतिबंधित दवाओं के सेवन करने के आरोप हैं। इसकी रिपोर्ट नेशनल डोपिंग एजेंसी ने फेडरेशन को दी है। अब बात बलरामपुर की, जहां दो अलग अलग सड़क हादसे हुए, 4 लोगों की मौत हो गई। पहले हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं पिकअप ने बाइक सवार युवक को टक्कर मारी, जिससे युवक की जान चली गई। दो अलग अलग सड़क हादसे, 4 लोगों की दर्दनाक मौत। जशपुर का जिक्र करते हैं, पहाड़ी कोरवा बुजुर्ग ने खुदकुशी कर ली है। पत्नी की मौत के बाद परेशान था, कुछ दिन पहले बीमारी से पत्नी की मौत हो गई थी। बगीचा थाना क्षेत्र के देवडांड का यह मामला है। पत्नी की मौत के बाद पति ने भी मौत को गले लगा दिया। खबर कोरबा से है, जहां रेत खनन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ गए हैं। बीजेपी नेता ने कांग्रेस नेता की गाड़ी रोक दी, जिसके बाद कांग्रेस नेता भड़क गए और कहा कि गाड़ी रोकने का अधिकार सिर्फ प्रशासन को है। आपको बता दें कि प्रशासन ने यहां 10 जून से 15 अक्टूबर तक रेत खनन पर प्रतिबंध लगाया है। तो वहीं रेत खनन पर दो पक्षों में विवाद का वीडियो अब सामने आया, जो खूब अब वायरल भी हो रहा है। जगदलपुर में आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवानों को अंतिम सलामी दी गई। कल सिलगेर और टेकलगुड़ा के बीच आईईडी ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद आज सलामी दी गई। तो आईडी ब्लास्ट में शहीद जवानों को अंतिम सलामी दी गई। कल सिलगेर और टेकलगुड़ा के बीच आईडी ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए थे। आज करणपुर कोबरा बटालियन में शहीद जवानों को सलामी देकर उनके गृहग्राम रवाना किया गया। दोनों जवान केरल और उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इस मौके पर बस्तर आईजी ने कहा कि प्रदेश से नक्सलवाद का जल्द खात्मा होगा।
और अब बात करेंगे मॉनसून की। प्रदेश में भले ही मॉनसून ने दस्तक दे दी हो, लेकिन ये बारिश वैसी नहीं है जैसी कि किसानों को उम्मीद थी। बार बार मॉनसून ब्रेक की स्थिति बनने से किसान परेशान हैं। मौके पर किसानों से बात की हमारे सहयोगी ममता लांजेवार ने, और उसी की तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। जो तस्वीरें वहां से हमारी सहयोगी लाई है, देखिए जो खेतों में फसल बोई गई और परेशान होती हुई वो जो है किसान नजर आ रहे हैं, क्योंकि फसलें खराब हो रही हैं और मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुआ है, तो किसानों की ये चिंता भी लाजमी है।